हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडीयू हेल्प में। एमडीयू की तरफ से 19 नए रिजल्ट आज जारी किए गए हैं। चलिए देखते कौन कौन से कोर्स के रिजल्ट आए, कौन से सेमेस्टर के रिजल्ट आए हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर प्रेस कर ले, जिससे एमडीयू से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया था, वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका रिजल्ट आया है, एमएससी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं सीबीसी स्कीम के, उनके थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो रिजल्ट आया, एमएससी फिजिक्स के जो स्टूडेंट हैं तीसरे सेमेस्टर के, उनका भी रिजल्ट आ चुका। आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो रिजल्ट आया, एमएससी मैथ विद कंप्यूटर साइंस के तीसरे सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका भी रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद अगला रिजल्ट आया, एमएससी कंप्यूटर साइंस के तीसरे सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं रिजल्ट आ चुका है। एमएससी मैथ के तीसरे सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका भी रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद एमएससी जूलॉजी के जो थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं रिजल्ट आ चुका है। एमएससी फॉरेंसिक साइंस के तीसरे सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका भी रिजल्ट आ चुका। आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो रिजल्ट है, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनके तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके भी तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। एमएससी इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के तीसरे सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका भी रिजल्ट आ चुका है। एमएससी बोटनी के जो स्टूडेंट हैं उनके तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। एमएससी बायोकेमिस्ट्री तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। एमएससी एग्री बायोटेक्नोलॉजी के तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। एमएससी माइक्रोबायल बायोटेक्नोलॉजी के तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद एमएससी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट है तीसरे सेमेस्टर का, उनका रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद अगला रिजल्ट है, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। जो लास्ट रिजल्ट आया है, एमएससी जेनेटिक्स के तीसरे सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट आ चुका। आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 सितंबर को टोटल 19 रिजल्ट जारी किए गए हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको रोल नंबर डालना है। जैसे ही आप रोल नंबर डालोगे, रोल नंबर के नीचे आपको प्रोसीड नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड नाउ पर क्लिक करोगे, आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एमएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके आज रिजल्ट आए हैं, तीसरे सेमेस्टर के 19 नए रिजल्ट आए हैं। वो सभी सब्जेक्ट के लगभग आ चुके हैं एमएससी के जो स्टूडेंट हैं। रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट के अभी तक रिजल्ट नहीं आए, डिस्टेंस और रेगुलर के जो स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें, इस मंथ के अंदर सभी स्टूडेंट के रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक दोस्तों, किसी का कल आएगा, किसी का परसों आएगा, किसी का 2 दिन बाद में आएगा, किसी का 3 दिन बाद में, इस मंथ के अंदर सभी स्टूडेंट के रिजल्ट आ जाएंगे। और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।